नाम जप में अविश्वसनीय शक्ति का संचार है, अतुलनीय शक्ति का संचार है। इसकी शक्ति का कोई पता नहीं लगा सकता है, कोई भी साधु संत इसका पता नहीं लगा सकता है, इसमें शक्ति कितनी है। मगर हाँ, इस पर विश्वास किया जा सकता है कि हाँ, ये कार्य इससे जरूर पूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें जितना कि शक्ति सूर्य में है, जितनी शक्ति चंद्रमा में है, जितनी शक्ति अग्नि में है, जितनी शक्ति वायु में और जल में होती है, उससे कई अधिक इस नाम जप में होती है, इस नाम के अंदर होती है। आपको पता हो जाना चाहिए, इनसे कई अधिक शक्ति इस नाम के अंदर है, क्योंकि नाम के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। किसको? भगवान को वश में किया जा सकता है। और कितने भी आप हथकंडे अपनाएं, कितना भी कुछ करें, लेकिन जो भगत अपने स्थान पे स्थायी होकर निरंतरता से एक चित होकर उस परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, उस भगवान का ध्यान कर रहा है, तो समझ के रखिए उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। जहाँ पर वह खड़ा है वहाँ से उसको हिलने नहीं दे रहा है, तस से मस नहीं होने दे रहा है। यानी जहाँ आप चाहते हैं उसको वहाँ बुला सकते हैं इस नाम के बलबूते पर। देखिए, नाम जप के जो फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। मेजर 5-6 फायदे हैं, बहुत ही अच्छे और सत्य है। सब सत्य, इसमें बिल्कुल असत्य बिल्कुल नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं है, सब के सब सत्य है। और इस पर विश्वास मैं आपको मेरी वाणी द्वारा दिलाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। अगर कोई भगत, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, नाम जप करता है, तो समझ के रखिए जो नकारात्मक ऊर्जाएं शक्तियां होती है उसके शरीर के अंदर कभी भी भीतर प्रवेश नहीं करती है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, नकारात्मक शक्तियां, आप कहते हैं कि भाई, जैसे कि भाई इसमें भूत आ गया, इसमें तो डायन आ गई, इसमें तो ये हो गया, इसमें वो हो गया, नाम जप की शक्ति इतनी है कि इसके सामने कोई भी कुछ किसी भी प्रकार की कोई शक्ति टिकती नहीं है, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा इसके सामने नहीं टिकेगी। इसलिए कहा गया है कि नकारात्मक शक्तियों से आपको 101% बचाता है। अगर कोई भगत भीतर ही भीतर उस परमात्मा का नाम सुमरण कर रहा है, तो आपके दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि मेरे अंदर भूत आ जाएगा, मेरे अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा हो है, ये हो रहा है मेरे साथ, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, यानी नाम जप का दूसरा जो फायदा है आपको मैं बताता हूँ कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति इसमें है। 101% इसके भीतर समाई हुई है सब शक्तियाँ। यानी भक्त के भीतर की अगर ये ऊर्जा, ये भाव प्रेरित हो जाए कि मुझको ये वस्तु चाहिए, भले वे भगवान की भी कामना करता है कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, तो देखिए भगवान के दर्शन भी होते हैं। उदाहरण प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी, है ना, तुलसीदास जी, इसे काफ़ी सारे हैं। तो भक्तों की लाइन तो बहुत लंबी है, मगर है, इसके माध्यम से मनचाही मनोकामना इच्छाएं पूरी होती है। केवल दृढ़ विश्वास रखा जाता है अपने इष्ट के नाम पर, आप में उस केवल उस नाम में गड़बड़ी कर देते हैं कि जहाँ अविश्वास होता है वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अविश्वास उत्पन्न हो जाता है कि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है, अब मुझको लग रहा है कि नहीं आएगी, समय पर नहीं आएगी, लेकिन आती जरूर है। विश्वास होना चाहिए कि हाँ, प्रभु है इस संसार में, इसका नाम का प्रभाव है, सर्वत्र है, आपको ये विश्वास होना जरूरी है। उसमें अविश्वास कभी ना लाए, आपकी हर इच्छाएं पूरी करने में इस नाम में बहुत ही काबिलियत, बहुत ही शक्ति है। बस इस पर विश्वास करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है कि इस पर कितना अटूट विश्वास किया जाए। तीसरा, अगर
किसी साधक में कोई भी व्यक्ति हो अगर शारीरिक कष्ट से वे बहुत ही बुरी तरह से जूझ रहा हो, मान के रखिए अगर कोई भक्त को कहा जाए कि केवल केवल वो केवल नाम का पान करे, उसका निरंतरता से जाप करे, तो उसकी शक्ति के माध्यम से नाम जप की जो शक्ति है तो धीरे धीरे क्या करेगी, वो भीतर ही भीतर उस रोग के वायरस को खत्म करेगी, एक तरह से रोग को ही खत्म करने लग जाएगी वो पूर्ण रूप से। अंदर जो रोग है, जो बीमारी उत्पन्न हुई है, उसको धीरे धीरे खत्म करेगी, अर्थात शारीरिक व्याधियों से आपको पूर्ण रूप से दूर रखेगी, एकदम स्वस्थ आपका शरीर रहेगा ये मान के रहे। चौथा यहां पर है कि जो इस संसार में दुख उत्पन्न होते हैं, दुख कहां से होते हैं, आपके भीतर उत्पन्न होते हैं, मन के द्वारा ही दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मन के भीतर कई तरह के भाव विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जो आलामुखी फटते रहते हैं कि इस वस्तु की कमी हो गई, इस चीज़ की कमी है, यह अपर्याप्त है, यह पूरा नहीं हुआ, तो इस प्रकार के भाव भीतर आते हैं मन को। और जो मन को मार देता है प्रभु के नाम के सहारे, तो मान के चलिए सारे दुखों का नाश हो जाएगा, यहाँ पर आपके सारे प्रकार के दुखों का नाश कर देगा, ये जितने भी दुख है उसका नाश कर देगा, यानी आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। पांचवा कि शरीर, मानव शरीर के भीतर एक ऐसा पुर्जा है जो आप है, आपका मन जो बहुत ही तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, बहुत ही तेज गति से, मन की गति इतनी तेज है कि पल भर में यहाँ है, पल भर में आप अंतरिक्ष चले जाएंगे, पल भर में कहाँ चले जाएंगे, कल पल भर में किसी स्थान चले जाएंगे जो वो आपने देखा नहीं, वो उस स्थान पहुंच, मन की गति इतनी तेज है। तो इसको शांति यानी इसको कंट्रोल में करने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण उपाय होता है वो है नाम जप। नाम के माध्यम प्रभु का नाम जब लिया जाता है तो उसकी सहायता से, प्रभु की कृपा से वे आपके मन को शांति स्थायित्व प्रदान करते हैं। जो मन आपका इधर उधर इस डाल से उस डाल बंदर की तरफ कूद रहा है तो वो एक जगह बैठता है धीरे धीरे। ये शक्ति है नाम जप की, सिर्फ और सिर्फ नाम जप। और अंतिम जो है इसका नाम जप का फायदा वो ये है कि आपके जो इस जीवन चक्र है में उलझे हुए हैं, बार बार आपका जन्म और मरण होता जा रहा है, अन्यत्र किसी विचार में आप उलझते हैं अंतिम समय में, और आपका फिर से योनियों में जन्म होने लग जाता है, यानी अन्य योनियों में जन्म होता है, पशु योनियों में, पक्षी योनियों में, पता नहीं कितनी योनियों में, वहाँ आप फंस जाते हैं। इसके माध्यम से आपका जन्म मरण से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलता है नाम जप के, यानी नाम जप से जन्म मरण के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है, फिर आपका जन्म वापस नहीं होगा, ना पशु योनि में ना मानव योनि, सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्मा जो परमात्मा को जाए समर्पित है पूर्ण रूप से। नाम जप के इतने अतुलनीय फायदे हैं, अगर कोई साधक अगर दृढ़ विश्वास कर ले अपने इष्ट पर, अपने गुरु की वाणी पर, तो वे भवसागर पार हो सकता है, निस्संदेह भवसागर पार होना तय है उसका। भले ही आप जीवन में भले कितने ही कष्ट पाए, कितना ही दुख क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में फिर से कभी नहीं उलझेंगे, मान करके उस प्रभु के पास जरूर जाएंगे। गुरु वचन कहता है कि नाम जप से आपको प्रत्येक चीज हासिल हो सकती है, केवल कमी है तो केवल इतनी है कि आपके विश्वास में होती है कमी और कहीं नहीं, बाकी नाम जप के माध्यम से आप इस संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं अगर विश्वास कर लिया जाए। लेकिन इसमें विश्वास
और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि निरंतरता से जाप करना भी बहुत मुश्किल होता है। निरंतरता से जाप करें गुरु का नाम जप, और निरंतरता से कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको ये वीडियो पूरा हो जाएगा जब आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफ़र, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय सियाराम। ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।